बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। हैदराबाद में गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज मैं यहाँ सिर्फ सियासी बातें करने नहीं आया, हैदराबाद के लिए आज मुकम्मल आईटी प्रोग्राम लेकर आया हूँ। स्टूडेंट को मेहनत करनी, मेहनत और मेहनत, और आज के इस माशी बहरान में अगर 15 से 20 लाख रुपए वो महीना कमाएगा और नौकरी देने वाला बन जाएगा, और इसका तमाम प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है। जो साफी भाई सवाल करेगा हम उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि कराची गवर्नर हाउस में इस वक्त 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं और वो 200 से 800 डॉलर तक महीना अभी से कमाना शुरू हो गए। इब्तदाई तौर पर 50,000 नौजवानों के टेस्ट लेंगे, हम एक साल का बिला मुआवजा आईटी कोर्स करवाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त माशी बहरान में है, आज भारत की इंपोर्ट 175 मिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी, जबकि हम 3 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रहे। ये अल्लाह शाहिद है कि हमारे पास वो जज्बा है, वो खलूस है, जिससे हम चाहते हैं कि अपने इन भाइयों को, इन बहनों को कुछ सिखा सके, ताकि इस माशी बहरान में वो पाकिस्तान का और अपने घर का सहारा बन सके। लाहौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज आमिर अली बलोच ने फेसबुक की कचहरी में मुसाफिरों के सवालात और मसाइल सुने। उनका कहना था कि ईद पर स्पेशल ट्रेनों के किरायों में डिस्काउंट पर गौर करेंगे, तनख्वाहों में ताखिर का खात्मा कर दिया गया, ग्रेजुएटी और पेंशन की जल्द अदायगी पर भी तवज्जो देंगे। ज़फ़रिया एक्सप्रेस में लगाए जाने वाली प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार को बहुत पजीराई मिली। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर CCPO लाहौर की ज़ेर निगरानी धाती डोर से तहफ्फुज़ के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स की तंसीब की मुहिम का आगाज कर दिया गया। CCPO का कहना था कि मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स की तंसीब से कीमती इंसानी जानों को धाती डोर से बचाने में मदद मिलेगी। शहर भर में मोटरसाइकिल सवारों में धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर्स तकसीम की जा रही हैं। सेफ्टी वायर्स आवाम के तहफ्फुज़ के लिए ज़रूरी है। लेस्को की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी, 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 380 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, 149 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 4 कमर्शियल, 1 जरई और 365 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनकता करके 2,32,380 यूनिट रिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए। दूसरी जानिब लेस्को की रचना टाउन सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, एम्ब्रॉयडरी यूनिट में बिजली चोरी पकड़ी गई, मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को को महाना लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मौका पर कनेक्शन मनकता करके मुलजिम के खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई। शोरकोट स्लाटर हाउस जहां गंदगी और तकफुन की वजह से आवाम की सेहत दाव पर लग चुकी है, जबकि इंतजामिया ख्वाबी खरगोश के मजे ले रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं शोरकोट के स्लाटर हाउस में, जहां पे हर तरफ आलाइशें बिखरी हुई हैं, बदबू का निज़ाम और तफन फैलता जा रहा है। इस वक्त शोरकोट की इंतजामिया ख्वाब गफलत में सोई हुई है। यहाँ की जो है ना, इसकी स्लाटर हाउस की दीवारें वो सारी टूट फूट का शिकार हैं, मेन गेट वह भी उखड़ा हुआ है और गंदगी और तापन बैक साइड पे देखा है तो कुत्ते यहाँ पे जो है ना आलाइशें वो खाते हुए नज़र आ रहे थे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया जी। शोरकोट तहसील का ये मेन स्लाटर हाउस है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताफुन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि कैमरा जो है वो स्मेल नहीं कर सकता, तो हम आपको दिखा नहीं सकते कि यहाँ पर कितना ताफुन है। और साथ ही यहाँ पर कब्रिस्तान भी है सांदलबार, जो कि कदीम कब्रिस्तान है। लोग यहाँ पर आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए, लेकिन यहाँ पर खड़े होना बड़ा नामुमकिन हो जाता है। फिर लोगों का तो ये मकसद होता है कि गोश्त यहाँ पर किया जाता है, ज़िबा खाना है यहाँ पर, कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इसको रेगुलराइज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के असूल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जो भी गोश्त यहाँ से ज़िबा होकर जाएगा, मार्केट में फ़रोख्त होगा, तो बच्चे बूढ़े भी जो बीमार हैं वो इसीलिए खाते हैं कि वो सेहत हासिल करें, तो लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आता इस किस्म के माहौल में। तो बड़ी मुश्किल है आवाम के लिए कि इस चीज़ को इंतज़ामिया जो बिल्कुल भी नहीं देख रही। आप इसके बाहर चले जाएं
रोड पर, तो इसके बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो म्यूनसिपल कमेटी जो है उसकी गफलत देखने में आ रही है कि यहाँ पर अगर गोश्त ज़िबा हो रहा है, कब्रिस्तान भी साथ है, लेकिन वो कूड़े के ढेर जो हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गेट जो है, मेन गेट, वो भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर कोई भी अमला मौजूद नहीं है। तो बड़ी मुश्किलात हैं आवाम के लिए। तो इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं कि वो इस तरफ भी तवज्जो दे, यहाँ पर बेहतर जो असूल हैं हिफ्ज़ान सेहत के, उसके मुताबिक इसको जो है इंतज़ाम चलाया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि यहाँ हिफ्ज़ान सेहत के असूल के बिल्कुल मुनाफी है और बल्दिया शोरकोट के जो अफसरान हैं वो ख्वाब गफलत से सोए हुए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर से और दीगर जो है इदारा जात इंतज़ामिया से शहरी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि स्लाटर हाउस शोरकोट पर भी तवज्जो दी जाए। मानवाला खाली शहीद चौक में सालों ने बहनोई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहसान वल्द असलम को घरेलू झगड़े की वजह से सालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसको रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। मानवाला में गैर मयारी महंगे गोश्त की फरोख्त धरल्ले से जारी। इंतजामिया ने कसाब माफिया को खुली छूट दे दी, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होने लगे। कसाबों ने डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट मानने से इनकार कर दिया, मनमाने रेट वसूल करने लगे। उमरकोट में रमजानुल मुबारक योम अली की सिक्योरिटी के पेश नज़र उमरकोट SSP आसिफ रजा बलोच ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों, पुलिस पकेट्स और पुलिस थानों का सरप्राइज विजिट किया। मुख्तलिफ मुकामात पर 15 मददगार के अहलकार पेट्रोलिंग और पुलिस ऑफिशल्स की तैनाती को चेक किया। अलावा अजीम SSP उमरकोट के कमांड पर तमाम SHOs मुतलका अफसरान बाकायदगी से पेट्रोलिंग और स्नैप चेक करेंगे। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, दौरानी ऑपरेशन एक मगवी को बाजियाब करवा लिया। खुफिया इतला पर पुलिस ने कच्चे के इलाके में कार्रवाई की। पुलिस और डाकू में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, डाकू मगवी को छोड़कर फरार हो गए। कश्मीर पुलिस का इलाके में नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मगवी को बहिफाजत अपने वर्सा के हवाले कर दिया गया। शादी पुली में असिस्टेंट कमिश्नर का दुकानदारों पर छापा। आम इस्तेमाल की अशिया की प्राइस लिस्ट चेक की गई। कुछ दुकानों से मसाला जात और शरबत एक्सपायर निकले पर वार्निंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने आम इस्तेमाल की अशिया को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने की हदायत की, जबकि नामुनासिब रेट लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। कंडरी में काश्तकारों का कहना है कि हमें दोनों हाथों से लूटा और छीना जा रहा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने हमसे फसलों के रेट कम लिए हैं और दूसरी तरफ करप्ट माफिया पेस्टिसाइड सीड सरकार के बहाने हमारी फसल आधी रेट पर रख दी है। दूसरी जानब बीज, भान और दवाओं के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि काश्तकारों के लिए नासूर है। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी फसलों के रेट सही दी जाएं, बीज, भान, जरी दवाएं लेबॉरेटरी से तस्दीक शुदा दी जाएं। ब्रिज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन उमरकोट की जानिब से TB के आलमी दिन की मुनासबत से थर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस में शानदार सेमिनार मुंतखब हुआ और रैली निकाली गई। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर्स ने TB के अमराज की अलामतें बताईं और इनका इलाज और बचाव की तदबीर भी बताईं। TB है क्या, कैसे लगती है, उसके अलामत क्या हैं, निशानात क्या हैं, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, TB के इकसाम कितने हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के दौरान अगर कोई पेशेंट TB की दवाई अधूरी छोड़ देता है या उसको दोबारा TB हो सकती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। TB एक मूजी मर्ज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको TB हो चुकी है उसने दूसरे पर्सन को बाय एयर खांसने से, छींकने से, जोर से बोलने से वो जो TB वाला मरीज है जो मुंह पे कपड़ा नहीं रखता तो वो दूसरे मरीज को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जरासीम हवा में रोटेट करता है और हवा में बैठे हुए हम सब सांस लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे सांस के साथ कौन सा जरासीम हमारे फेफड़ों में चला गया है। वो जब जरासीम फेफड़ों में जाएगा तो एट ए टाइम आपको TB के सिम्टम्स नहीं क्रिएट करेगा, उसको वहाँ सेटल होने में टाइम लगता है और सेटल होने के बाद जब उस शख्स में जिसके अंदर वो सांस के जरिए इंटर हो चुका है फेफड़ों में तो उसके सिम्टम्स जब डेवलप होंगे, जब उस
शख्स में उसकी इम्यूनिटी यानी उसमें कुव्वत मुदाखलत बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत कम होगी तो वो बीमारी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। मजीद उनका कहना था कि टीबी दुनिया के कई ममालिक से खात्मा हो चुका है। हमारा इरादा ब्रिज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन भी दिन रात कोशा है, हमारे मुल्क से भी मौसी अमराज से जल्द खात्मा हासिल होगा और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब प्रोग्राम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद अरफान हजरा ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल मियां अरफान महदी के हमरा जनाजा गांव में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम के सिलसिले को आगे बढ़ाया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब प्रोग्राम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद इरफान हिजरा ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल मियां इरफान महदी जंजियाना के हमरा जनाजागाह अहमदपुर सियाल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम के सिलसिला को आगे बढ़ाया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद इरफान हिजरा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से माहौल को पाक रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा दोनों म्यूनसिपल कमेटियों में 4000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना सिर्फ हुकूमती इदारों की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि बतौर पाकिस्तानी हर फर्द पर लाजिम है कि वो अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर वज़ीर आला पंजाब के सरसब्ज पंजाब प्रोग्राम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा करे। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरावाला थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुसलमान के कब्जा से 24 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। मंशियात फरोशी में मुलविस दो मुसलमान पुलिस की हिरासत में। दौरान तफ्तीश मुसलमान ने इंकशाफ किया कि वो गुजरावाला और उसके मजाफात में मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस रहे। सियासी और समाजी तंजीमों और इलाके के मकीनों का पुलिस को खराज तहसीन। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने कहा कि नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले माशरे के दुश्मन हैं, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाक पतन में जारी पंजाब का कदीम सकाफती मेला हजरत सखी चंद पीर अख्ताम पसीर हो गया। पंजाब भर से अकीदतमंदों ने कई रोज की पैदल मुसाफिर तय करके मेले में शिरकत की। मसीह तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। पाक पतन का कदीमी 3 रोजा सकाफती मेला सखी चंद पीर अख्ताम पसीर हो गया। मेला चंद पीर में पंजाब की सकाफत को उजागर करते हुए हजारों अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ रंगों के झंडे उठाए हुए शिरकत की। सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी ने रसूमात अदा करते हुए मुल्को कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। उसकी तकरीबात का आखिरी दिन है, हजारों लोग यहाँ फैजयाब होने आए हैं और इंशाल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी होंगी। लोग अपनी मन की मुरादें पा रहे हैं और मैं इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जितनी मेहरबानी फरमाई है। लोग जमातों की शक्ल में बहुत दूर दूर से सफर करके यहाँ पर आते हैं, लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं यहाँ पर जो उन्होंने मांगी होती है। और ये पंजाब के बड़े सकाफती मेलों में से एक मेला है। ये शहराजा उर्स 150 से ज्यादा अरसे से हर साल 26-28 मार्च को मुनक्द होता है, जो बाद में मेला चंद पीर के नाम से मशहूर हो गया और ये पंजाब का एक सकाफती बड़े मेलों में शुमार होता है। मेला चंद पीर में शिरकत के लिए पंजाब के कई शहरों से अकीदतमंद कई रोज की मुसाफत तय करके पैदल पहुंचे। मेला में कदीमी खिलौनों और मुख्तलिफ मिठाइयों के स्टॉल से जायरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल टीवी, पाक पतन। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में CIA कसूर के सब इंस्पेक्टर नबील अहमद ने पुलिस मुलजमान के हमरा छापा मारकर पतंग तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से तैयार शुदा 600 के करीब पतंगे जबकि 2000 से ज्यादा पतंगों का खाम माल और आला जात भी बरामद कर लिया गया। दो मुलजमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने थाना खडिया के इलाके में पतंग बनाने के अरसे से एक फैक्ट्री बना रखी थी जो कसूर समेत दीगर इलाकों को पतंगे तैयार करके सप्लाई करते थे। ओकाड़ा FBI की तरफ से बगैर टैक्स पर पकड़ी गई करोड़ों रुपए मालियत की सिगरेट नजरे आतिश कर दी गई। FBI के अफसरान ने ओकाड़ा की मार्केटों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के नॉन टैक्स पेड सिगरेट उठा लिए थे।
चीफ कमिश्नर का कहना था कि सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स का नफास होता है। एफबीआर पकड़े गए सिगरेट ताजरों को वापस करने के लिए टैक्स पे करने का मुतालबा करती है। टैक्स अदा न करने की सूरत में एफबीआर पॉलिसी के मुताबिक मखसूस टाइम के बाद जब्त किए गए सिगरेट जला देती है। मरोड की मजहबी शख्सियत अलामा मौलाना मुमताज़ अहमद चिश्ती की वालदा का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफी बरादरी ने शिरकत की। इस हवाले से मौलाना मुमताज़ अहमद चिश्ती ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह मुकद्दस बरकतों वाले रमज़ानुल मुबारक के महीने में कलमा पढ़ने वाले पर अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।